नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शोथारी लोह ये आज के वीडियो का मुख्य विषय है। शोथारी लोह एक बटी है जिसके घटक और उपयोग करने का तरीका यह मैं आपको बताऊंगा। जनरली मैं आपको बता दूं कि शोथारी लोह का प्रयोग किन किन चीजों में होता है। जनरली जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। खून की कमी के कारण होने वाला जो एनीमिया के कारण जो सूजन आती है, एनीमिया के कारण जो सूजन आ जाया करती है शरीर पर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जिन पेशेंट को मोतीझिला यानी कि टाइफाइड में शोथारी लोह का प्रयोग किया जाता है, और जिन्हें कामला या जिसे जॉन्डिस हम बोलते हैं, जॉन्डिस में इसका प्रयोग किया जाता है। शोथारी लोह का मुख्य कार्य है शरीर में खून की कमी को पूरा करना, और शरीर के किसी भी हिस्से में यदि पानी भरा हो, फ्लूड ज्यादा हो, चाहे वो एसाइटिस हो, चाहे कहीं भी सूजन हो, कहीं भी जो इंट्राक्रेनियल फ्लूड या कहीं भी फ्लूड ज्यादा भरा हो किसी भी कैविटी में, और उसके कारण वो भरा हुआ सा दिख रहा हो, किसी अंग में सूजन ज्यादा दिख रही हो, हाथ पैर में, घुटनों में, शरीर में, पेट में, मुंह के आसपास, तो उसमें इसका प्रयोग करने पर बहुत फायदा मिलता है। व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। हाथी पांव में इसका प्रयोग करने पर बहुत फायदा मिलता है। एसाइटिस में इसका प्रयोग करने पर बहुत फायदा मिलता है। प्लूरिसी यानी जो उरस तोये जिसे बोला जाता है, या फुफ्फुस जन्य तोये जिसे बोला जाता है, यानी फुफ्फुस में या फेफड़ में पानी भर जाने में भी इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद है। जनरली मैं कहूं कि किसी भी डिसीज में यदि बहुत ज्यादा सूजन है, खून की कमी के कारण सूजन आई हुई है, या शरीर में फ्लूड ज्यादा हो जाने के कारण सूजन आई हुई है, तो इसका प्रयोग करने पर पूरा फायदा मिलता है। खून की कमी भी पूरी होती है, ताकत भी मिलती है, साथ ही साथ सर्दी खांसी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंदर जुखाम या भारीपन ज्यादा है तो इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में किसी भी भाग में यदि सूजन हो, इंटरनल सूजन हो या एक्सटर्नल सूजन हो, अंदरूनी सूजन हो या बाहर से भी सूजन आ गई हो, इसका प्रयोग करने पर, इस वटी का प्रयोग करने पर वह सूजन पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो रामबाण इलाज है यह शरीर में किसी भी कारण से आई हुई सूजन के लिए। तो दोस्तों, यह है शोथारी लोह। मेरे पास डाबर की यह शोथारी लोह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है डाबर की शोथारी लोह, यह वैद्यनाथ की शोथारी लोह है मेरे पास। आप डाबर की, वैद्यनाथ की, ऊंझा की, झंडू की या किसी भी अच्छी फार्मेसी की शोथारी लोह ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें त्रिकटु मिला हुआ है यानी कि सुंठी, मरिच और पिपली, यानी मरिच यानी काली मिर्च, सौंठ और पिपली, पीपल, ये तीन चीजें लोह भस्म और यवक क्षार इसमें मिली हुई है। तो सुंठी, मरिच और पिपली, त्रिकटु का काम है शरीर से एक्स्ट्रा कफ, जो बहुत ज्यादा कफ बन जाता है शरीर में जिसके कारण सर्दी खांसी होने लगती है, सूजन आने लगती है, उसको खत्म करता है त्रिकटु। पाचन सही करता है यानी आप कुछ भी खाते हैं तो रस जो है पचने के बाद शुद्ध बनता है, तो शरीर में भारीपन नहीं आता, चर्बी नहीं दिखती, सूजन सी नहीं दिखती, मुंह फूला फूला, शरीर फूला फूला नहीं दिखता, ये ठीक हो जाता है। और यदि खांसी, सर्दी, जुकाम आदि बना रहता है तो उसमें बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा पाचन करता है, मल को साफ करता है और शरीर में भूख भी बढ़ाता है, और जो खाते हैं आप उसके बाद जो रस बनता है वो शुद्ध बनता है, इससे सारी धातुएं भी शुद्ध बनती है। साथ में इसमें लोह भस्म मिली हुई है। लोह भस्म क्या करती है, शरीर में यदि खून कण कम हो गए हैं तो उनको बढ़ाती है। कई बार खून के कमी के कारण सूजन आ जाया करती है तो उस सूजन को ये खून के कण बढ़ा के पूरी तरह खत्म कर देती है। साथ में इसमें यवक क्षार मिला हुआ है। यवक क्षार क्या करता है, शरीर के अंदर यदि ज्यादा फ्लूड बन गया है, ज्यादा पानी बन रहा है, जनरल भाषा में बोलूं जैसे एसाइटिस में बनता है, जलोदर में बनता है, या किसी और कारण से शरीर में फ्लूड ज्यादा बन रहा है, वहां पे सूजन दिखने लगी, वो उठा हुआ सा दिखने लगा वह अंग, तो उस फ्लूड को निकाल देता है। शरीर में पाचन बहुत अच्छे से कराता है जिससे सब चीजें अच्छे से पचती हैं, तो अशुद्ध रस नहीं बनता और शरीर में सूजन नहीं आती। तो जनरली इनमें जो तीन चीजें मिली हैं वो पाचन अच्छा रखती हैं, खून बढ़ाती हैं और शरीर की सूजन को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। एनीमिया में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। रामबाण दवा इसका प्रयोग करने पर एनीमिया खत्म होता है, और जिन्हें पीलिया होता है उन
को जरूर सोथारी लोगों का प्रयोग कराएं। इससे जो इंटरनल सूजन है, लिवर की सूजन है, इंटेस्टिनल सूजन है, जिन्हें टाइफाइड होता है मोतीझरा, उसमें भी इंटेस्टिनल सूजन आ जाती है, उसकी सूजन को भी कम करता है, और जिन्हें परफोरेशन होता है वो भी ठीक करता है, और लिवर सिरोसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिन्हें हाथी पांव होता है वो भी इसका प्रयोग करके पूरा लाभ उठा सकते हैं, और जिन्हें हर्निया या हाइड्रोसील है वह भी इसका प्रयोग करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है यह, हर प्रकार की सूजन के लिए, हर प्रकार के खून की कमी के लिए, ज्यादा फ्लूइड शरीर में बढ़ जाए उसके लिए, भारीपन के लिए और कमजोरी के लिए, तो जरूर इसका प्रयोग करें। हर प्रकार की सूजन में, मोतीझरा, टाइफाइड में, कामला यानी कि जॉन्डिस में, फाइलेरिया में, हर्निया में, हाइड्रोसील में, और भी जितने प्रकार के रोग हैं जिनमें सूजन आ जाया करती है, दर्द रहता है, लालिमा आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और शरीर में भारीपन महसूस होता है, उनमें इसका प्रयोग निर्भय होकर आप कर सकते हैं। निशंस है यह बहुत ही अच्छी दवा, इसका प्रयोग करने पर वो रोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जरूर इसका प्रयोग करें और देखें कितना लाभ देती है। रामबाण दवा है, यदि आपको अभी अभी कोई रोग हुआ है तो एक ही महीने में यह दवा पूर्णतः आपका वह रोग ठीक कर देगी जो रोग मैंने बताया अभी। यदि आपको लंबे समय से चले आ रहे हैं तो कुछ महीने प्रयोग करने पर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, और जिन्हें सूजन बहुत ज्यादा बढ़ती है वो लोग यदि ये दो गोली गुनगुने पानी के साथ या बाछी के मूत्र के साथ, यानी बछिया, देसी बछिया के मूत्र के साथ, दो चम्मच देसी बछिया के मूत्र के साथ दो दो गोली सुबह शाम रात खाने के 20 मिनट पहले सेवन करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है, 10 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। अचूक नुस्खा है जो मैं अपने मरीजों पर प्रयोग करता हूं और उन्हें पूरा फायदा मिलता है दोस्तों, तो जरूर इसका प्रयोग करिए, पूरा फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो को शेयर भी करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दवा के विषय में पता चल सके और वो इसका प्रयोग करके पूरी तरह इन रोगों से मुक्त हो सके। और दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं वो नुस्खे बताता हूं जो खुद मैं अपने क्लिनिक में प्रयोग करता हूं और सैकड़ों लोग उनसे ठीक हो चुके हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आप चूक जाएंगे ऐसे नुस्खों से और लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फालतू में अपना समय बर्बाद कर देंगे, दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके लुटेंगे फालतू में, और यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लुटने से भी आप बच जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करने से बच जाते हैं और आपका समय भी बच जाता है, और इन सरल सफल नुस्खों से आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर दें, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें, यदि नहीं लगा हो तो भी कमेंट करें, फीडबैक जरूर दें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं किसी भी गंभीर रोग की, चाहे कितना भी खतरनाक रोग हो, आप मुझसे यदि दवा बुलवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मैं स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने नंबर दिया हुआ है, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझे सारी समस्याएं, रिपोर्ट्स, नाम, नंबर, पता व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर मैं उन्हें देखकर आपको मैसेज करूंगा कॉल करने के लिए, तभी मुझे कॉल करें, फिर मैं बताऊंगा कि कितने माह आपको दवा चलानी है और एक माह की दवा की कीमत क्या होगी। तो एडवांस पेमेंट करने के बाद, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसलिए एक दिन पहले पैसे जमा करने के बाद मैं आपको अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उस पर एक दिन पहले पैसा जमा करने के बाद दूसरे दिन मैं दवा भेज देता हूं जो कि 5 से 8 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी, उसकी रिसीट भी मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा ताकि आप ट्रैक कर सके कि दवा किस दिन कहां तक पहुंची। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, घंटी का निशान जरूर दबाएंगे तथा मेरे बताए हुए नुस्खों का उपयोग जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और सरल रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।